देखिए आज आए हम नदी किनारे गाय बकरियों को लेके। जैसे कि हमने बताया था कल कि अब हमारी सारी तो हो चुकी है बंद, वहाँ तो झंडोर जमना शुरू हो चुका है। आज आए हम ठंडी ठंडी हवा खाने अपनी बकरियों को लेके, उनके लिए लेके आई थी मैं थोड़ा सा दाना पानी, क्योंकि वो वहाँ से आ नहीं रहे थे तो उन्हें बुलाने के लिए, क्योंकि वो इधर उधर चली जाती है ना, इसलिए उन्हें बुलाने के लिए रखना पड़ता है हमें दाना पानी भी, तो फिर भी वो आ जाती हैं। इसीलिए तो मैं आज निकालने जा रही हूँ कौन सा घास, वो क्या बोलते थे हमारे यहाँ पे जड़कनाली बोलते हैं ना, जड़कनाली हाँ, जड़कनाली से इच्छू घास बोलते हैं कोई कोई ना, उसे निकालने जा रही हूँ मैं आज रात के सब्जी के लिए। तो इसीलिए मैं बड़ी वाली पे नहीं लेके आई थी, चलो निकाल रही हूँ वहाँ से, थोड़ा दिख छुट्टी जा रहा हूँ उसे, तो मैं निकालती हूँ आप लगे रहो। तो दोस्तों नदी किनारे का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, पानी पानी है चारों तरफ, तो कैसा लग रहा है नदी किनारे? अरे नदी किनारों पे ठंड कभी छांव कभी धूप लगे तो ये पानी मुँह हाथ धो लो, मन करे तो नहा लो, बस क्या बोलना है नदी किनारे। इस बार तो हम आराम से रहेंगे अपनी गाय बकरी के साथ, अगली बार तो हमने गए थे ये नहर रही है ना वो दिखाई दे रही है ना, तो उसमें ये काम करने आए थे, बहुत चढ़ाई में जाना पता था धूप में सीमेंट लेने, यहाँ से रेत और पत्थर उठाना, वहाँ पर मसाला बनाना, तो इस साल तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक ही रहेगा, खैर मुझे झाड़ी पे नहीं जाना पड़ेगा इस साल, थोड़ा बाहर आ मिल जाएगा। तो आ जाइए आप लोग भी नहाने के लिए, ये देखिए क्या ठंडा ठंडा पानी, और जो बाहर बाहर होंगे ना लोग दिल्ली शहरों में ना, क्या गर्मी से उबल रहे होंगे, वो हमें देख के तो बोल रही है आ हा 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 क्या मौसम है ना। तो यहाँ पर निकाली जा रही है बिच्छू घास दोस्तों, थोड़ी सी खुली जैसी लगती है, ये रही हमारी बिच्छू घास जिसकी सब्जी बनाई जाती है, ये रही थोड़ा बहुत तो मुझे यहाँ पर लिंगुड़ भी मिले थे, ये रहे हमारे उत्तराखंड के लिंगुड़, अभी तो थोड़े थोड़े जमे हुए हैं ना क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े से निकल गए, तो पहले तो बहुत सारे रहते थे यहाँ पर, इस बार इसलिए नहीं है कि क्योंकि अगली बार हमने नहर बनाई थी तो सारे बह चुके हैं। बाकी नदी किनारे का मौसम बहुत शानदार हो रहा है दोस्तों, बहुत ठंडा है भाई, तब उत्तराखंड घूमने के दिन तो उसे आ चुके हैं। हाँ जिसका भी मन कर रहा हो आ जाए, है ना, सही बात है कि उत्तराखंड में तो असली स्वर्ग स्वर्ग है, जिसको स्वर्ग का आभास करना है तो वो उत्तराखंड आ जाए। सही बात है, हम भी पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, अगर हम इन सभी लोगों में दिखाई नहीं तो उनको पता कैसे चला कि हमारा कोई पहाड़ भी है, उनके लिए तो हम अजमेरी जैसे रहेंगे ना, तो अपने से ही एक लगाव लगा रहेगा तो हमारे घर में कुछ है। तो दोस्तों इस वक्त ऐसी ठीक हम नदी किनारे तो नीचे की साइड हम पे ले गए थे, अब यहाँ पर हम थोड़ा घास पात यानी बांझ बूंझ काट लेते हैं, और बच्चे लोग भी खेल रहे हैं, तो कुछ लोग बांझ लेने भी आए हुए थे यहाँ पर, तो बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है।
अच्छा अच्छा ठीक ठीक तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है नदी किनारे का। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया भाई हमारे उत्तराखंड का। तो चलिए दोस्तों, बकरियाँ भी लग चुकी है घर जाने के लिए और सूर्यास्त भी होने वाला है, तो चलते हैं धीरे धीरे घर को। दादा 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 आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं घर को। गाय बैल तो चले गए। दादा 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 चलिए, बकरी वाली भी आ गई, मोहित और मोहित की माँ गोरो के मोहित का। ओ बाज बाल लोन जो भगवान भाई दबला था। और दोस्तों सूर्यास्त हो गया और आसमान पर लाली माँ है। चल गोरो को बहुत प्यारा सा सनसेट भी हो चुका है और मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया भाई। शाम का मौसम सुहाना हो जाता है पहाड़ों में गर्मी के दिनों में। अरे अखरोट की पेड़ पर देखिए कुंपल, बिल्कुल हरे भरे पेड़। तो दोस्तों घर भी पहुंच गए थे, चाय पानी भी हो गया था, अब तो रोटी भी खाई गई है, खाई जा रही है। खा लिए आधे आधे तो खा के जा चुके हैं, ऊपर बच्चे और दादी जी उनकी, तो हम लगे हैं दोनों यहाँ पर खाने पे। फिलहाल तो मेरा भी हो ही चुका है, मैं दूंगी बर्तन, फिर हो चुका है, आग अभी जल ही रही है। तो आजकल तो आग का भी सीजन कम हो गया ना। हाँ मैं फूटू नहीं पाया। कौन फूट? तो चलो अभी करते हैं एंड, है ना। तो धन्यवाद आप लोगों का। जय भारत, जय उत्तराखंड।